Hello everyone. Today we are going to study a topic that is Venturi meter. So what is Venturi meter? Actually, in hydraulics, as per the SBT syllabus Bihar, unit number 7, flow measuring device, in that topic Venturi meters is given. So here, when we are going to study in detail about Venturi meter, so what all topic I would like to consider is that, first of all, what is Venturi meter, types of Venturi meter, principle on which Venturi meter works, advantages, disadvantages, and application. This 6 topic we are going to discuss in detail, and even we are going to find the discharge or flow velocity. So what is Venturi meter? I would like to repeat it again. Venturi meter is a flow measuring device. It consists of, its main components are converging point, throat, and diverging. So I will be solving all this, and I will be dealing with this Venturi meter topic today. So if you people have any doubt, you can ask me, okay? So let's move to the topic, that is Venturi meter. So Venturi meter actually hota kya hai? Let me draw a diagram for you here to make you understand in a better way. In few further slide it is given, but to make you understand now even. Okay, yeah. Venturi meter is connected to a pipe, any pipe. As you know, you have studied the flow of liquid through the pipes. So it is attached in a pipe. How it is attached? For example, this. You can see, for example, this is a pipe, then like this. So if you attach this point, so actually it's so this is pipe, this is converging point, this is throat, then is a diverging point. It's available in upstream side, this is in downstream side. So by this diagram you can understand further. It is given, agar aapko koi doubt hoga to aap aage wala diagram dekhiyega to samajh jaiyega. So let's move to the next slide, that is basic terms. What are the basic terms? Basic terms ka matlab kya hota hai ki jo usme important cheez istemal kiya gaya Venturi meter mein, और डेफिनेशंस और टर्मोलॉजीज के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं. सबसे पहला है आपका फ्लो रेट. फ्लो रेट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूड विच पासिस थ्रू ए गिवन एरिया पर सेकेंड. इसका मतलब कि अगर एक फ्लूड है, उसका स्पीड कितनी है, एक गिवन क्रॉस सेक्शन अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में. इसको यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड से नापते हैं. इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर वी से. तो ये था आपका फ्लो रेट. नेक्स्ट आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एंड इट इज डोनेटेड बाय लेटर क्यू. वी आल्सो नो लेटर क्यू स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज. इन दिस डेफिनेशन इज गिवन लाइक वॉल्यूम ऑफ फ्लूड ट्रैवल थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड. क्या होता है कि पॉइंट ए या पॉइंट बी है, अगर कोई आपको गिवन एरिया दिया हुआ है, तो आसानी से आप डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हो. डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी. ए आपका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. वी क्या है? फ्लो वेलोसिटी. और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा. नेक्स्ट आपका कंडुइट. कंडुइट क्या है? सिंपल है, शेप ऑफ पाथ ऑफ द फ्लूइड. कि जो आकार में पानी बहेगा, चाहे ये वो इरेगुलर फ्लो हो सकता है, रेगुलर फ्लो हो सकता है, वो डिपेंड करता है. तो उसको कंडुइट से बह के निकलेगा, पाइप से बह के निकलेगा, तो उसका शेप अकॉर्डिंग टू अलग होगा. नेक्स्ट है वेना कॉन्ट्रैक्टा. सो व्हाट इज वेना कॉन्ट्रैक्टा? फॉर टू अंडरस्टैंड इट इन इजी वे आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट इट इज़ अ पॉइंट इन ए फ्लूड स्ट्रीम वेयर द डायमीटर ऑफ स्ट्रीम इज लेस. इसका मतलब आप अभी डायग्राम देख रहे थे, बनाया था, तो स्ट्रीम कहाँ लिस्ट डायमीटर कहाँ होता है? थ्रोट के पास डायमीटर लेस होता है. तो वहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है. क्या रहता है? वेलोसिटी मैक्सिमम. आई विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो यू कैन सी दिस इज टाइप्स ऑफ फ्लूड. द फ्लूड मे बी, इट कैन बी अ टर्बुलेंट और इट कैन बी अ लैमिनार
और दैट डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फ्लो है। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और लैमिनर फ्लो क्या होता है। तो लैमिनर फ्लो देखेंगे तो आपको पता लगे। ओके, सो इन टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फ्लूड अंडरगोज इरेगुलर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या होता है? अप एंड डाउन होता है, इरेगुलर रहता है, डिसकंटिन्यूअस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो हो गया था। जैसे कि ये सब पॉइंट्स को देख सकते हो, ये सब पॉइंट क्या है? इरेगुलर फ्लक्चुएशंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसका रेनॉल्ड नंबर कितना होता है? रेनॉल्ड मोर देन 2000, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है हमारा लैमिनर फ्लो। तो व्हाट डस लैमिनर फ्लो मीन्स? लैमिनर फ्लो मीन्स वो रेगुलर है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बह के जा रहा है। यू कैन सी दिस, तो दैट इज नोन एज ए लैमिनर फ्लो। तो ये इस टाइप का फ्लूड में कैसे हम इसका मापेंगे या नापेंगे कि कितना वेलोसिटी है इसकी, कितना डिस्चार्ज है? दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मोस्टली डील विद वेंचुरी मीटर इन दिस टॉपिक। तो आपको पता हो गया कि टाइप्स ऑफ फ्लूड क्या, इट कैन बी अ टर्बुलेंट और इट कैन बी अ लैमिनर, और कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेडी फ्लो होते हैं, अनस्टेडी फ्लो होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं, और डिपेंड्स करता है। लेकिन हम यहाँ दो चीज़ के बारे में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टर्बुलेंट एंड लैमिनर। और किसके थ्रू बहेगा? पाइप के थ्रू बहेगा। जब पाइप के थ्रू बहेगा तो वेंचुरी मीटर में हम लोग फ्लो रेट मापेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मापेंगे, दैट इज डिस्चार्ज। देन कंडूइट किसको कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा किसको कहते हैं, उस चारों बेसिक टर्म को हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डेफिनेशन एंड मेन पार्ट्स। दैट मेजर है कि किसी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन इज, वेंचुरी मीटर इज़ ए डिवाइस यूज फॉर मेसरिंग रेट ऑफ फ्लो। क्या मापता है ये? रेट ऑफ फ्लो, दैट इज वी, फ्लो रेट और रेट ऑफ फ्लो, दैट इज वी। किसका? फ्लूड का, कोई भी फ्लूड। ए फ्लूड कैन बी ए लिक्विड, इट कैन बी ए गैसेस, और इट कैन बी ए सेमी लिक्विड। दैट डिपेंड्स वो किसके थ्रू बह रहा है, एक पाइप के थ्रू बह रहा है, तो उससे क्या नाप सकते हैं कि इसका फ्लो रेट कितनी है, दैट इज नोन एज वेंचुरी मीटर। वो कितने के उसका कितने पार्ट होते हैं? एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट और डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है। तो कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई आकार सामने आके मिलने का कोशिश कर रहा हो, और डाइवर्जिंग मीन्स एक पॉइंट से एनलार्ज हो रहा हो। तो हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो आप आसानी से समझ लीजिएगा कि कन्वर्जिंग पार्ट क्या होता है, थ्रोट क्या होता है, डाइवर्जिंग पार्ट क्या होता है। नेक्स्ट, टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, आई हैव अटैच्ड ए डायग्राम विच इज वेंचुरी मीटर अटैच टू ए मैनोमीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजेंटल वेंचुरी मीटर। ओके, सो इन दिस वेंचुरी मीटर, लेट्स लीव दिस मैनोमीटर, जस्ट कंसिडर द अपर पोर्सन दैट वेंचुरी मीटर। टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट इज गिवन सिंपली दैट दिस इज अ पाइप विच इज इन अपस्ट्रीम साइड थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग। वाटर इज फ्लोइंग और फ्लूड इज फ्लोइंग इन दिस डिरेक्शन, कन्वर्जिंग पॉइंट सी, हियर इट इज एनलार्ज एंड हियर इट इज मीन्स इट्स कमिंग टू ए पॉइंट। सो यहाँ पे आके ये मिल जा रहा है, दिस इज थ्रोट। तो यहाँ पे अभी वेना कॉन्ट्रैक्टा में कहा था लीस्ट डायमीटर जहाँ रहेगा एलिस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। एंड नेक्स्ट डाइवर्जिंग कोन मीन्स यू कैन सी दिस, ये बड़ा होते चला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग कोन बोलते हैं। और नेक्स्ट इज डाउन स्ट्रीम, और पानी किधर से बह रहा है? इधर से इधर बह रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंचुरी मीटर बोलेंगे। और जब हम टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे तो उसमें हम हॉरिजेंटल वाला, वर्टिकल वाला, इंक्लाइन वाला भी हम लोग देखेंगे। सो ये था बेसिक डायग्राम ऑफ वेंचुरी मीटर। तो एक और अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूड के बारे में। क्या देख सकते हैं? फ्लूड है ये, क्या है? फ्लूड जो बह रहा है वेंचुरी मीटर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग ट्यूब, इसको डाइवर्जिंग। तो इससे हमको क्या पता लगेगा? पानी इधर से इधर बह रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो ये था आपका बेसिक वेंचुरी मीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। एज यू नो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस होते हैं जो फ्लो मेसरिंग होते हैं, और आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। किस पे काम करता है? बर्नौलिस एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बर्नौलिस क्या होता है? वी ऑल नो कि वो हमारा प्रेशर हेड
काइनेटिक हेड और डेटम हेड, सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू जीरो और कॉन्स्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौलीस इक्वेशन बोलते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, सिंपल, दैट इज हमारा नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, दैट इज आपका क्या है, आपका डेंसिटी है, ठीक है। तो बर्नौलीस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड इज इक्वल टू, सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेक्शन को मान के चलिए, यहाँ पे दो सेक्शन है, एक सेक्शन यहाँ है, एक सेक्शन यहाँ है। तो सेक्शन वन वन में क्या क्या लग रहा है, वी वन है, पी वन है, और यहाँ पे जेड वन भी लगेगा, और सेक्शन टू हमारा यहाँ पे है जो फ्लो वेलोसिटी इधर से होगा, तो वी टू पी टू लगेगा, और यहाँ पे सारा चीज़ बेसिकली दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे बर्नौलीस इक्वेशन क्या होता है, पी वी ए इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, आप ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, डेंसिटी वन ए वन वी वन, ए वन क्या है आपका एरिया है, पाइप एरिया है, वी वन क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जिंग फ्लूड, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से फ्लूड फ्लो हो रहा है, सिमिलरली इट इज गिवन हियर। सो इसको किस किस चीज़ से डिनोट करते हैं, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, रो वन स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ कन्वर्जिंग फ्लूड, रो टू स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ थ्रोट फ्लूड, रो टू क्या है डेंसिटी ऑफ थ्रोट फ्लूड, जो थ्रोट में जो डेंसिटी लगता है उसको रो टू से डिनोट करते हैं। ए वन आपका क्या है, पाइप एरिया है, ए टू क्या है, थ्रोट एरिया है। हम लोग बेसिकली बर्नौलीस इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस में लगा रहा है, कन्वर्जिंग पॉइंट में और थ्रोटिंग में, और वी वन क्या है वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जिंग फ्लूड, और वी टू क्या है वेलोसिटी ऑफ थ्रोट। तो इस इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस गिवन हियर वेंचुरीमीटर में देख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डेरिवेशन किया हुआ हूँ, देख सकते हैं ये कन्वर्जिंग पॉइंट है, ये थ्रोटिंग है, और ये क्या है डाइवर्जिंग पार्ट है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा बर्नौलीस इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन लग रहा है, तो अप्लाइंग बर्नौलीस इक्वेशन हम यहाँ पे लगाए हैं बर्नौलीस इक्वेशन को, तो क्या है वन और टू में कन्वर्जिंग पॉइंट में और थ्रोटिंग में, तो हमारा इसमें क्या निकल जा रहा है, बर्नौलीस इक्वेशन क्या होता है, पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन, ये क्या हो गया आपका बर्नौलीस इक्वेशन हो गया। ऑलरेडी हम इसके बारे में लैब में भी पढ़ चुके हैं, लैब एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग किसका, बर्नौलीस का, तो उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पाइजोमीटर का प्रेशर निकाले थे, उसमें फ्लो रेट निकाले थे, तो उसमें हमने पढ़ा था पी वन अपॉन रो जी क्या होता है, प्रेशर हेड होता है, वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है, और जेड वन क्या होता है, डेटम हेड होता है। तो सिमिलरली थ्रोटिंग के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो दिस पाइप इज हॉरिजेंटल सो जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, ये पाइप किस से किस वे में है, हॉरिजेंटली है, तो हमारा जो डेटम हेड होगा दोनों जेड वन इज इक्वल टू जेड टू होगा, ठीक है। तो अब आप जानते हैं जेड वन दोनों बराबर है, तो हम लोग पी वन अपॉन रो जी माइनस पी टू अपॉन रो जी इज इक्वल टू, हम लोग रो पी वन प्रेशर वन और प्रेशर टू को जो लग रहा है कन्वर्जिंग और थ्रोटिंग में अलग अलग कर लिए हैं, जो इस इक्वेशन में हमारा दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि पी वन, अब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी हो जाएगा, क्या है ए प्रेशर इन डिफरेंस इन प्रेशर है, तो इसको सेक्शन हम क्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, एच इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी। अब आप जान गए हैं कि एच को ये है, तो जो फॉलोइंग इक्वेशन से क्या निकलेगा, एच इज इक्वल टू वी टू दी होल स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन टू स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये इक्वेशन हमारा निकल रहा है, ये आपका क्या हो जा रहा है इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और हम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या जानते हैं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ कन्वर्जिंग पॉइंट इंटू वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जिंग पॉइंट फ्लो रेट, और नेक्स्ट है ए टू एम वी टू। सिमिलरली हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम लोग दोनों को बराबर मान लेंगे, तो वी वन क्या हो जाएगा ए टू इंटू वी टू हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू आपका। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन टू इन टू वैल्यू इन इक्वेशन वन, आपको क्या करना है, इक्वेशन जो दो का जो वैल्यू आया था इक्वेशन वन में, तो हमने जो हमारा वैल्यू आया था एच इज इक्वल टू वी टू दी होल स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन दी होल स्क्वायर अपॉन टू जी आया था, तो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है, यू कैन सी, यू कैन देख सकते हो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया है, इक्वल टू कॉमन ले लिए हम, तो वी स्क्वायर अपॉन वी टू अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टू जी, तो हमारा क्या आ जाएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर,
तो हम लोग v को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो हमारा ऊपर ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2gh, h हमारा इधर से इधर सब्सटीट्यूट हो जा रहा है, तो जो नीचे जो हमारा 2g था, तो 2gh इंटू ए वन स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा, और ए वन टू माइनस ए ए टू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमारा वेलोसिटी किस में है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू जी एच इंटू ए वन अपॉन रूट ऑफ ए वन द होल स्क्वायर माइनस ए टू द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन में, क्यू इज इक्वल टू ए टू इंटू वी टू। अब हम डिस्चार्ज आसानी से फाइंड कर लेंगे, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, देख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो आप जानते हैं कि वी टू का जो वैल्यू आ चुका है, तो क्यू इज इक्वल टू, हमने ये इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, इंटू ए टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज, क्यू टी एच, क्यू टी एच इसको बोलते हैं, और एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस दैन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, जो हम प्रैक्टिकली करेंगे, एक्चुअली करेंगे, उसका डिस्चार्ज क्या होगा, कंपेयर टू थियोरेटिकल कम होगा, इसमें हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे सी डी से मल्टीप्लाई किया, तो सी डी आपका क्या होता है, आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, सी डी क्या होता है, सी डी इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए वेंचुरी मीटर एंड द वैल्यू विल बी लेस देन वन। जो हमारा क्या रहेगा, उसका जो सी डी का वैल्यू क्या रहेगा, क्या रहेगा, आपका न्यूमेरिकल में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया रहेगा। तो क्यू ए सी टी अपॉन क्यू टी एच ई, ए सी टी क्या हुआ है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, इससे आपका क्या निकल जाएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो ये क्या था, फ्लो को हम लोग कैसे मेसर करते हैं, बाई यूजिंग वेंचुरी मीटर। कौन कौन सा इक्वेशन लगता है इसमें, बर्नौलिस इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों को सब्सट्यूट करके इसका हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, कि हम इसमें कुछ असम्पशन करते हैं, कुछ मान कर चलते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा क्या लग सकता है। तो सबसे पहला है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर वन में हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन लेस इनर सरफेस, जो पाइप से जो हमारा पानी बह रहा है और जो वेंचुरी मीटर में है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था लॉसेस के बारे में, मेजर लॉस एंड माइनर लॉस। तो मेजर लॉस किसके वजह से लगता है, मेजर लॉस ड्यू टू द किस में लगता है, फ्रिक्शन के वजह से लगता है। और इसमें जो तीसरा असम्पशन है, स्टेडी एंड इरोटेशनल फ्लो है। तो इस तीनों को हम लोग बेसिकली अस्यूम करते हैं, क्या क्या करते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के बारे में पढ़ते हैं, फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टेडी या इरोटेशनल फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि ये हम लोग जो वेंचुरी मीटर कर रहे हैं, तो उसमें ये सब अस्यूम भी कर सकते हैं, हम लोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है, टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर, कितने प्रकार के वेंचुरी मीटर, सॉरी हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर। तो पहला क्या है, हॉरिजेंटल वेंचुरी मीटर, ऑलरेडी हमने पिछले डायग्राम में देखा था, पिछले स्लाइड में, कि हमारा हॉरिजेंटल वेंचुरी मीटर क्या होता है। आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे भी पाइप है, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट है, तो उसमें क्या क्या लग रहा है, बर्नौलिस का इक्वेशन लग रहा है। बर्नौलिस का इक्वेशन में क्या था, सिंपल सी बात है, पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन द होल स्क्वायर अपॉन क्या था, देख लीजिएगा, 2g प्लस z1। तो हमारा किस में लग रहा था, कन्वर्जिंग पॉइंट में लग रहा था और थ्रोटिंग में लग रहा था। तो हमारा जो पाइप है, मैनोमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो मैनोमीटर में कौन कौन सा लिक्विड होता है, दो टाइप ऑफ फ्लूड होता है, एक होता है मर्क्यूरी, एक होता है हमारा सिंपल से वाटर, जिस चीज़ का भी निकाल रहे हैं हम लोग, किसका क्या निकाल रहे हैं, फ्लो रेट निकाल रहे हैं। तो हमारा इससे हमको क्या पता लग जाएगा, मैनोमीटर ऑलरेडी भी हम लोग यूनिट नंबर थ्री में पढ़ चुके हैं, पूरा क्लास में ही, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर बोलते हैं। आपको डायग्राम याद रहना चाहिए ये, आपको अगर आ गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से लिखने के लिए, तो आप लिखेगा कितना हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दो होता है और दो होता है, क्या होता है, इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर एंड वर्टिकल वेंचुरी मीटर। तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि इंक्लाइंड मतलब जो हमारा वेंचुरी मीटर है वो इंक्लाइंड आकार में लगा हुआ है, और उससे हमारा क्या अटैच्ड है, मैनोमीटर अटैच्ड है। और आसानी से आप क्या निकाल लोगे, फ्लो रेट ऑफ फ्लो निकाल लोगे, किसका, जो फ्लूड का हमको खोजना है। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल वेंचुरी मीटर, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, वो वर्टिकल में लगा हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या है, इससे हम आप पता कर सकते हो कि हमारा फ्लो रेट क्या है, तो आप आसानी से इसको आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा कंस्ट्रक्शन, कि इसको बनाते कैसे हैं, क्या काम है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको बेसिक पॉइंट नंबर वन में दिया हुआ है, द एंट्री ऑफ द वेंचर इज ए सिलेंड्रिकल,
in shape to match the size of the pipe through which fluid flows. This enables the venture to be fitted to the pipe. इसका मतलब क्या होता है, जो वेंचुरीमीटर होता है उसका जो मुंह होता है, जो कन्वर्जिंग पॉइंट जो होता है, वो पाइप से क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ताकि आसानी से हम लोग उसको कस सकें. किसके साथ? पाइप के साथ उसको फिट कर सके. तो पॉइंट नंबर वन ये एक्सप्लेन करता है. और दूसरा पॉइंट क्या है, एट द एंट्री देयर इज अ कन्वर्जिंग कॉनिकल सेक्शन विथ एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 19 डिग्री टू 23 डिग्री. तो जो हमारा एंगल रहता है कितना रहता है, 19 से लेकर 23 तक रहता है, और कॉनिकल शेप में, वो कन्वर्जिंग पॉइंट से होता है, और वो किस में फिक्स होता है, पाइप में फिक्स होता है. उसका आकार इस प्रकार से बनाया रहता है कि वो आसानी से पाइप में फिट हो जाए. नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग द कन्वर्जिंग सेक्शन देयर इज अ सिलेंड्रिकल सेक्शन विथ अ मिनिमम एरिया कॉल्ड एज अ थ्रोट. आप आसानी से डायग्राम याद कीजिए, आप मन में आपको पता लग जाएगा कि एक छोटा सा डायमीटर वाला पाइप बीच में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका, After the throat, there is a diverging conical section with an included angle of 5 degree to 15 degree. और वो भी आगे जल के पाइप में फिट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, diverging conical section बोलते हैं. और क्या होता है, opening are provided at an entry and throat of the venturimeter for attaching a difference pressure sensor. और जो उसमें क्या रहता है, वेंचुरीमीटर में ओपनिंग प्रोवाइड रहता है, कहाँ कहाँ आपको एक कन्वर्जिंग पॉइंट में ओपनिंग रहता है, एक थ्रोट में ओपनिंग रहता है, ताकि हम लोग अगर जैसे अभी हम लोग डायग्राम देख रहे थे कि मैनोमीटर अटैच था, तो लेट मी एक्सप्लेन यू, आप आसानी से समझ जाएंगे उस डायग्राम से. यहाँ इस डायग्राम को देखिए, दो ओपनिंग होता है, किस में होता है, एक होता है हमारा कन्वर्जिंग कोन में, एक होता है हमारा थ्रोट में, और ये हमारा क्या है, प्रेशर सेंसर है. इससे हम क्या निकाल लेंगे कि आपका कितना प्रेशर लग रहा है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, तो हमने किस में पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था. आई विल रिपीट फॉर यू अगेन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या देखा, बेसिकली देखा कि एक पाइप फिटिंग रहता है, कन्वर्जिंग पॉइंट को ऐसा सिलेंड्रिकल आकार में बनाया जाता है कि आसानी से फिट हो जाए. ठीक है, उसका एंगल कितना से कितना रहता है, 19 से 23 डिग्री तक रहता है. फिर उसके बीच में आगे क्या होता है, थ्रोटिंग होता है, वहाँ पे पाइप क्या होता है, थोड़ा पतला हो जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है. नेक्स्ट है, और फिर एक डाइवर्जिंग कॉनिकल रहता है, वो भी आगे चल के पाइप से फिट हो जाता है, और दो ओपनिंग उसमें अवेलेबल रहता है. कहाँ कहाँ रहता है, एक कन्वर्जिंग जोन में रहता है, एक थ्रोटिंग में रहता है. फिर उसमें हम लोग क्या अटैच करते हैं, प्रेशर सेंसर को अटैच करते हैं, और इट कैन बी अ डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टर आर्क मैनोमीटर, डिपेंड्स, वो देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर्स, ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आई विल जस्ट गिव यू द हिंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं मैनोमीटर को यहाँ क्यों इस्तेमाल किया हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ. इसमें हम लोग क्यों इस्तेमाल किए हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली प्रेशर सेंसर है. इसमें हम लोग प्रेशर को मापते हैं. इसमें दो लिक्विड होता है, एक होता है हमारा मर्क्यूरी, एक होता है हमारा वाटर. तो मर्क्यूरी का वेट डेंसिटी कितना होता है, 13.6 टाइम्स मोर देन, इट इज़ हैवियर देन वाटर. तो उससे हमारा क्या पता लग जाता है, प्रेशर को हम लोग मेसर कर सकते हैं. तो पॉइंट नंबर टू इज रिटन एज, मैनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेसर प्रेशर. वो क्या कहता है, एक डिवाइस है, क्या मापता है, प्रेशर को मापता है. ये क्या होता है, इट कैन बी ग्लास का रहता है, यू शेप का रहता है, इसमें दोनों लिक्विड प्रेशर रहता है. ठीक है, और जो हायर डेंसिटी का आप ऑलरेडी मैं भी बता चुका हूँ, 13.6 टाइम मर्क्यूरी इज हैवियर देन वाटर. तो उससे हमारा क्या पता लग जाता है, प्रेशर के बारे में पता लग जाता है. नेक्स्ट है हमारा, आप ये डायग्राम देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, हमने क्लास में भी बनाया है, होप यू ऑल नो. ठीक है, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि एक ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है. ये क्या है, जो ब्लैक पोर्शन जो सोन है, दैट इज मर्क्यूरी. ठीक है, और ये क्या है, हमारा फ्लूइड है. ठीक है, और हमको निकालना है ये द डिफरेंस बिटवीन, ये हम किसको डिनोट कर रहे हैं, द डिफरेंस इज मर्क्यूरी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, एच, और एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं डेटम हेड. ठीक है, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा किस पाइप में प्रेशर ज़्यादा होता है, और उससे आप क्या निकाल सकते हो, आप प्रेशर को निकाल सकते हो. तो अगर आपको डाउट होगा तो आप तो 30 मिनट का जो हम लोग पढ़े थे, जस्ट गो एंड रिवाइज इट, आपको पता लग जाएगा. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन, कि ये कैसा ऑपरेशन है, कैसे काम करता है मैनोमीटर जब हम वेंचुरीमीटर में फिक्स करते हैं, तो कैसे काम करेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे. पॉइंट नंबर वन इज द फ्लूइड हुज फ्लो रेट इज टू बी मेजर्ड. ठीक है, कि कौन सा ऐसा जो फ्लूड है जिसका हम लोग को प्रेशर मापना है, वो क्या कहता है, वेंचुरीमीटर में विथ P1 से एंटर होता है. दूसरा पॉइंट क्या है, एज द फ्लूड फ्लोस इनटू द कन्वर्जिंग सेक्शन, जो हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन जो पाइप से फिट रहता है उसके द्वारा जब फ्लो होता है, तो रिड्यूसिंग एंड अटेंस अ मिनिमम वैल्यू ऑफ P2. और वो क्या होता है, जब बढ़ते रहता है तो वो एक मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है, दैट इज प्रेशर को अटेंड करता है. वो क्या होता है, P2 कहाँ पे अटेंड करता है, थ्रोटिंग में.
ठीक है, तो वहाँ पे फ्लूइड प्रेशर पी टू विल बी मिनिमम, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैनोमीटर अटैच बिटवीन द एंट्री एंड द थ्रोट सेक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर रिकॉर्ड्स द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा वहाँ पे मैनोमीटर लगा रहता है एक कन्वर्जिंग में एक थ्रोटिंग में, वहाँ पे हमको प्रेशर डिफरेंस पता लग जाता है, दैट इज पी वन माइनस पी टू, कि हमारा कि कौन सा फ्लूड है उसका प्रेशर कितना लग रहा है, और उससे हमको इंडिकेट हम लोग हो जाता है कि फ्लो रेट ऑफ द फ्लूड थ्रू पाइप विच इज वेन कैलिब्रेटेड, जब वो मूवमेंट में होता है तो उससे हमारा फ्लो रेट पता लग जाता है, सॉरी। नेक्स्ट है द डाइवर्जिंग सेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनेबल द फ्लूड टू रिगेन इट्स प्रेशर एंड हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी, लेसर द एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन ग्रेटर इट इज द रिकवरी। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे हम लोग इसका फ्लो रेट ना वेंचुरीमीटर का निकालने के लिए, वो किस पे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल पे, बर्नौलिस और कंटिन्यूटी इक्वेशन पे काम करता है, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा कि हमारा फ्लो रेट निकल जाएगा। आप बेसिक तौर पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया, उसमें हमने मेंशन कर दिया, देखिएगा आई विल हेल्प यू, दैट इज़ कन्वर्जिंग सेक्शन, उसमें क्या रहता है प्रेशर पी वन है, और यहाँ पे क्या रहता है हाई एंगल रहता है, कितना से कितना रहता है 19 डिग्री से 23 डिग्री तक रहता है, और थ्रोटिंग में यहाँ से इसमें क्या रहता है यू ट्यूब मैनोमीटर लगा रहता है, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेशर सेंसर बोलते हैं, यहाँ पे हमारा पी टू पता रहता है, और उससे हमको क्या पता रहता है प्रेशर डिफरेंस पता लग जाता है, किसमें पी वन और पी वन माइनस पी टू कर देते हैं, उससे हमारा क्या पता लग जाता है कि प्रेशर क्या हो रहा है। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है बढ़ते जाता है, और यहाँ एंगल लेस होता है, कितना से कितना 5 से 12 एंगल दें वो 15 एंगल तक होता है, तो जिससे हमको पता लग जाता है कि प्रेशर क्या है फ्लो रेट क्या है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है प्रेशर इन पाइपलाइन। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे प्रेशर मापने के लिए हम एक पाइपलाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंचुरी मीटर है, ये हमारा कन्वर्जिंग यूनिट है, थ्रोट है, डाइवर्जिंग यूनिट है, और यहाँ पे हमारा ये प्रेशर नापने वाला मशीन लगा हुआ है, जिससे हमारा क्या पता लग जाता है कि प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है, तो उससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अप्लीकेशन, कि इसका फंक्शन क्या है, इसका अप्लीकेशन क्या है। अप्लीकेशन नंबर वन इज़ यूज्ड वेयर हाई प्रेशर रिकवरी इज़ रिक्वायर्ड। वेंचुरी मीटर को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेंचुरी मीटर में मैनोमीटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि वहाँ पे किसके लिए, हाई प्रेशर को रिकवरी करने के लिए। दूसरा होता है मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ वाटर, हम उससे क्या निकालते हैं फ्लो रेट निकालते हैं, किसका, जो भी फ्लूड हमारा दिया हुआ है, इट कैन बी ए फ्लूड, इट कैन बी ए गैसेस, इट कैन बी ए सस्पेंडेड सॉलिड्स, स्लरीज एंड डर्टी लिक्विड्स, उसका क्या हम निकालते हैं फ्लो रेट निकालते हैं, दैट इज़ वी निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेसर हाई फ्लो रेट्स इन पाइप हैविंग डायमीटर इन फ्यू मीटर्स, हम क्या निकालते हैं ज़्यादा डिस्चार्ज जो होता है जिस पाइप से, मोटा वाला पाइप से, उसका भी हम लोग क्या निकालते हैं फ्लो रेट निकालते हैं। तो ये था आपका बेसिक तीन एप्लीकेशन। आई विल से एप्लीकेशन नंबर वन हम क्या निकालते हैं हाई प्रेशर वेलोसिटी निकालते हैं, दूसरा क्या निकालते हैं फ्लो रेट ऑफ वाटर, गैसियस, सस्पेंडेड सॉलिड्स, स्लरीज एंड डर्टी लिक्विड्स, एंड पॉइंट नंबर थर्ड इज मेसर हाई फ्लो रेट्स इन पाइप हैविंग डायमीटर इन फ्यू मीटर्स, उसका भी हम लोग क्या निकालते हैं फ्लो रेट निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज, कि इसका क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। पॉइंट नंबर वन इज लेस चांस ऑफ गेटिंग क्लॉग्ड विथ सेडिमेंट, इसका मतलब क्या होता है, क्लॉग का मतलब होता है जमा होना। ठीक है, अगर कई बार आप अपने घरों में देखते हैं कि नली होता है तो उसमें कचरा जब जम जाता है तो पानी बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं क्लॉग्ड हो जाता है, तो इसमें एक वेंचुरी मीटर में क्या होता है इट इज़ कम चांस होता है कि वो क्लॉग्ड हो, क्योंकि उसमें पानी रेगुलर बहते रहता है, जो टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े थे हम लोग लैमिनर और टर्बुलेंट में, तो उससे क्या होता है उस जो सेडिमेंटेशन होता है, जो कचरा बैठने वाला काम रहता है वो बैठता नहीं है, वो क्या होता है पानी के साथ ही बह के आगे निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज हाई, इसमें क्या है जो डिस्चार्ज क्यू जो हम निकालते हैं वो क्या होता है वेंचुरीमीटर में हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड परफेक्टली, उसका बिहेवियर को उसका नेचर को आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि कैसा है। नेक्स्ट है कैन बी इंस्टॉल्ड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और इंक्लाइन, जो वेंचुरी मीटर को हम लेते हैं उसको हम लोग कोई भी शेप में इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर पाइप हमारा वर्टिकली है तो वर्टिकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंक्लाइन पोजिशन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक एडवांटेज।
ठीक है। तो बेसिक एडवांटेज को आप देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेसिक डेफिनेशन आता है 4 मार्क्स का, उसमें क्या पूछता है, व्हाट इज वेंचुरी मीटर, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा कि वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस जो फ्लो रेट को निकालता है, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इसका एडवांटेज क्या है, जस्ट नाउ आई हैव टॉट यू, तो आपको इस स्लाइड से आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज होता है किसी कोई भी चीज़ हो जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज जरूर होगा, चाहे वो एक कुछ भी हो सके, मान लीजिए कुछ भी है, अगर मैं आप मेरे को मान लीजिए, आप खुद को मान लीजिए, अगर कुछ आप में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, तो उसी प्रकार वेंचुरोमीटर में क्या है, एक डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज नंबर वन इज हाईली एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा है, ठीक है, इसको आप आपको ज़्यादा थोड़ा फंड पैसे खर्च करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपाइज कंसिडरेबल स्पेस, ये थोड़ा स्पेस को ज़्यादा खपत करता है, ठीक है, जैसे जहाँ पे स्पेस कम लगना चाहिए अगर इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैनॉट बी अलर्टेड फॉर मेजरिंग प्रेशर बियॉन्ड ए मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको आप चेंज नहीं, अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अगर एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक मापता है तो आप उसको मॉडिफाई करके ऊपर तक नहीं निकाल सकते, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है। तो ये बेसिकली 3 डिसएडवांटेज है वेंचुरीमीटर का, ठीक है। तो ये था आपका डिसएडवांटेज ऑफ वेंचुरीमीटर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आई जस्ट वॉन्ट टू रिवाइज क्या क्या, जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड वी स्टडी अबाउट व्हाट इज वेंचुरीमीटर, कि वेंचुरीमीटर क्या होता है। नेक्स्ट वी स्टडीज अबाउट कि वेंचुरीमीटर जो उसका शेप आकार कैसा होता है, शेप ऑफ वेंचुरीमीटर। देन वी स्टडी अबाउट मेन पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, थ्रोट होता है, डाइवर्जिंग पॉइंट होता है, और किससे अटैच रहता है, पाइप से अटैच रहता है, उसका आकार ऐसा बनाया रहता है कि तो वो आसानी से पाइप में फिट आ जाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल, कि कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है, हम लोग कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसका फिर हमने क्या निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे निकाला, क्यू थियोरेटिकल अपॉन क्यू एक्चुअल, उससे हमारा क्या पता लग गया कि उसमें डिस्चार्ज कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेंचुरीमीटर, कि कितने प्रकार के वेंचुरीमीटर होते हैं, ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ वेंचुरीमीटर, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर एंड वर्टिकल वेंचुरीमीटर। आप ये तीनों को किसी भी शेप में फिट कर सकते हो, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि कंसिडरेबल स्पेस ज़्यादा ले लेता है, ठीक है, और ये क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, और इसमें हम मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद उसको अलर्ट नहीं कर सकते, मीन्स कि उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये कुछ डिसएडवांटेज था। देन वी सॉ अबाउट द एडवांटेज ऑल्सो, तो होपफुली आपको इस टॉपिक वेंचुरीमीटर समझ में आ गया होगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन मेल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।